प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन में लगातार राहत दी जा रही है। बुधवार देर रात गृह विभाग ने लॉकडाउन में और अधिक राहत देते हुए राज्य में कई और सामान की दुकानें और शोरूम खोलने की छूट दी है। आपको बता दें कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने जारी आदेश में आठ प्रकार की दुकानें और शोरूम खोलने की अनुमति यहाँ पर दी है। ये छूट कर्फ्यू या फिर कंटेनमेंट और रेड जोन के लिए लागू नहीं होगी। गृह विभाग के आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स और भोजनालय, मिठाई की दुकानें खुले रहेंगे, लेकिन ग्राहक यहां से खरीद सकेंगे या फिर होम डिलीवरी करवा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर स्थित सभी ढाबे, हार्डवेयर की दुकान, प्लम्बिंग, कारपेंटर, पेंट, निर्माण सामग्री की दुकानें, वाहन विक्रय शोरूम, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत संबंधित दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग संबंधित दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें और कार्यस्थल के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों में निर्धारित सुरक्षा उपायों की पूरी तरीके से पालना करना आवश्यक रहेगा, जैसे कि बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को सामान नहीं बेचने, दुकानदार को भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और निरंतर सैनिटाइजेशन इत्यादि व्यवस्थाएं रखने की पालना करनी होगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे सरकार जो है वो लोगों को राहत देने में जुटी हुई है, आज और यहाँ पर सुविधाएं मुहैया कराई गई, क्या पूरी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जयती, सरकार का प्रयास है कि कैसे भी जनता को राहत दी जाए। डेढ़ महीने से अधिक का समय लॉकडाउन को हो गया है, तो जनता को किस तरह से राहत दी जा सकती है, इसके लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में लगातार छूट दी जा रही है, इसी के तहत लॉकडाउन में छूट के तहत ही कल देर रात सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए गृह विभाग की ओर से। गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जो होटल, रेस्टोरेंट हैं, भोजनालय हैं, साथ ही मिठाई की दुकानें हैं, उनको छूट दी गई है। इसमें जो छूट दी गई है उसमें टेक अवे और होम डिलीवरी सिस्टम रखा गया है, ताकि कोई भी खरीद कर ले जा सकता है या होम डिलीवरी करवा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर जो ढाबे हैं वो इस आदेश के तहत खुले गए हैं आज से। और हार्डवेयर की दुकानें, जिसमें प्लम्बिंग, कारपेंटर और पेंट्स की जो दुकानें हैं वो, साथ ही कंस्ट्रक्शन जो दुकानें हैं मटेरियल की, वो इस आदेश के तहत खुली है आज से। एसी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो दुकानें हैं उसमें एसी है, कूलर है, टीवी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी दुकानें आज से खोल दी गई हैं। साथ ही वाहन जो विक्रय के शोरूम्स हैं वो भी इस आदेश के तहत खोल दिया गया है। लेकिन सरकार की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं गृह विभाग की, उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जो गाइडलाइन सरकार की ओर से लॉकडाउन के तहत पालना की दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की बात हो या सैनिटाइजेशन की बात हो या मास्क लगाना अनिवार्य रूप से किया गया है, तमाम ग्राहकों के पूरी तरह से, जो भी ग्राहक अगर शोरूम पे या दुकान पे पहुंचता है उसको सैनिटाइजर के बाद ही सामान दिया जाए। जो दुकानदार है वो मास्क का प्रयोग करे, ग्राहक मास्क का प्रयोग करे, साथ ही ग्लव्स दुकानदार के हाथों में पहने हुए हो, ताकि किसी तरह से संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। ऐसे में इन आदेशों के तहत आज जो आदेश गृह विभाग की ओर से जारी किए गए हैं, तमाम इनके तहत छूट दी गई है आठ प्रकार की दुकानों। दिनेश, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा इस पर कि प्रदेश भर में आदेश जारी कर दिए गए हैं, प्रदेश के लिए है, लेकिन राज्य की अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर अभी काफी ज्यादा गर्माया हुआ है माहौल, चारदीवारी से बाहर निकल चुका है ये संक्रमण और अब राजधानी के कई क्षेत्रों से सामने आ रहा है, तो ऐसे में इस प्रकार की ढील देना कहीं सरकार को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि खाद्य पदार्थों के अगर देखी जाए तो भोजनालय और रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं तो वहां पर गुणवत्ता का सवाल सबसे पहला रहेगा। इसके अलावा जितने भी और जगह है वहां पर संक्रमण को रोकने के लिए किस प्रकार से प्रशासन लोगों से नियमों की पालना करवाएगा और नॉर्म्स किस प्रकार से यहाँ पर लोग पालना करेंगे, इसकी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए जयती, ये बड़ी चुनौती है कि संक्रमण ना पहले, इसकी ओर से सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह जो भी छूटें दी जा रही है, दुकानें खोलने की हो या किसी भी प्रकार की अगर छूट दी जा रही है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात हो, जिस जो भी जो सुरक्षा उपकरण है जिसके लिए पूरे समाधान, उसके लिए पूरे उपाय किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क लगाना हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, ताकि संक्रमण ना फैल सके। सरकार के ओर से ये जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें राहत के प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा उपायों के साथ ही सारे छूट दी जा रही है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, देर रात को जारी आदेशों में यहां पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए छूट दी गई है। कुछ क्षेत्रों में रेस्टोरेंट्स, भोजनालय, यहां पर होम डिलीवरी की सुविधा,
एसी कूलर्स, निर्माण सामग्री और दुकानें, वाहनों के शोरूम और ग्रामीण हाईवेज पर जितने भी ढाबे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक संबंधित शोरूम हैं, उन्हें खोलने पर यहाँ पर फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया है। प्लम्बर और साथ ही में कारपेंटर, पेंट के संबंधित दुकानें भी खुलेगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन व्यवस्था की पालना करना पूरी तरीके से यहाँ पर एडवाइजरी में है। सभी दुकानदारों को ये बात बता दी गई है कि जिन भी विक्रेताओं किस प्रकार की दुकानें हैं वो सारे नॉर्म्स को यहाँ पर फॉलो करवाएं। किसी भी उस व्यक्ति को यहाँ पर सामान बेचने और खरीदने की अनुमति नहीं है जो कि बिना मास्क के वहां पहुंचेगा। मास्क सबसे ज्यादा अनिवार्य है। सिर्फ लोगों की राहत के लिए ये चीजें अभी खोली गई है। किसी भी प्रकार की कंटेनमेंट जोन या फिर रेड जोन वाले इलाकों में या फिर कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में, जीरो मोबिलिटी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्थाएं फिलहाल लागू नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ उन जगहों के लिए है, उन क्षेत्रों के लिए है जहां पर जीरो मोबिलिटी और साथ ही में कंटेनमेंट जोन नहीं है, रेड जोन नहीं है, वो इलाके कर्फ्यू ग्रस्त नहीं है। लोगों को हल्की हल्की तरीके से यहां पर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश में सरकार।